अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज में हम मोहम्मद मालिक। सबसे पहले आप सबको यौम आजादी मुबारक हो। अनवारुल्लाह काकर साहब ने फाइनली आठवें निगरान प्राइम मिनिस्टर के तौर पर हल्फ उठा लिया है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अभी तक यही समझ नहीं आई कि इनकी अपॉइंटमेंट हुई कैसे। अभी हम आपको पीस सुनाएंगे। खुर्शीशाह साहब कहते हैं कि उनका नाम तो दरमियान में था ही नहीं। फिर सिंध के ऊपर बात करते हुए नासिर हुसैन शाह साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि यहां हम खुद ही फैसले करेंगे, ऊपर से नाम नहीं आते। और आपको लगता है कि नाम जहां से भी आए हैं, क्योंकि अभी तक इंटरेस्टिंगली ना नवाज शरीफ साहब ने, ना मरियम नवाज साहिबा ने, ना आसिफ जरदारी साहब ने, ना बिलावल भुट्टो साहब ने, ना ही मौलाना साहब ने कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया, कोई इस किस्म का, इसको कहते हैं ना वेलकम खुले बाजुओं से। अगर वो कंसेंसस कैंडिडेट थे तो फिर इतनी खामोशी क्यों? और एक खबर छोटी सी छपी हुई है एक अखबार में, जिसमें मौलाना फजल रहमान के हवाले से है कि उन्होंने तारीफ की है, मुबारक दी है, बट नो बडी। मेंगल साहब, अख्तर मेंगल साहब की नाराजगी तो खुल के सामने आ गई है, समझ भी आती है, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट में है काकर साहब के साथ, तो इसलिए उसको हम उस तरीके से देख के एक साइड पे कर सकते हैं अगर करना चाहें, लेकिन ये खामोशी बड़ी ही मानी खेज है सबकी। दूसरा एक्टिविटी फुल चल रही है। हमने ये भी देखा है कि आर्मी चीफ ने पिछले 48 घंटे में दो बार उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, जहां उन्होंने मुल्क की बात की है, हम हैं तो पाकिस्तान है तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं, प्रॉस्पेरिटी की बात की है, मुल्क के फ्यूचर की बात की है, लेकिन कहीं भी इंटरेस्टिंगली जमहूरियत का लफ्ज मुझे तो कहीं सुनाई नहीं दिया। इट माइट बी इनआर्गमेंट हो सकता है, लेकिन आजकल जो माहौल बना हुआ है हर कोई सुनना चाहता है कि जमहूरी तसलसल व्हाटएवर क्या होगा क्या नहीं। और जब ये सब कुछ चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने जुमे वाले दिन एक और फैसला कर दिया, और वो जो अपील्स और वो सारा इन्होंने एक्ट पास किया था जिसको कहा जा रहा था कि प्योरली नवाज शरीफ के लिए है, जो उनकी कन्विक्शन खत्म करने के लिए और उनको वापस आने के लिए, वो उन्होंने उड़ा के रख दिया बाहर जस्टिस बंदियाल साहब के बेंच ने। तो क्या अब हमें इलेक्शन नजर आ रहा है जिसमें इमरान खान माइनस हैं लेकिन साथ नवाज शरीफ भी माइनस हैं, क्या ये है? दूसरा, शहर में इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा बातें गर्दिश कर रही हैं कि जी जैसे बातचीत चल रही है, कोशिश हो रही है कि एक वे आउट हो जाए, और शायद अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि ये जो खबरें निकलती हैं इसको हम बड़े ध्यान से बात करेंगे, बिकॉज ये वन साइडेड इंफॉर्मेशन का फ्लो है, हमारे पास कोई पैमाना नहीं है इसकी लेजिटिमेसी मेजर करने का। जो सरकारी हलके हैं और जो दोस्त वाला लोग हैं वो तासुर ये दे रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब ने कोई इंडिकेट किया है कि वो बाहर जाने के लिए तैयार है अगर कोई उनको रिलीफ मिलती है। लेकिन जब हम आर्मी चीफ की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल 9 मई में किसी को माफी नहीं है। जब हम प्रेसिडेंट अलवी को सुनते हैं तो उनकी एक बार फिर आपने बात सुनी जहां वो कहते हैं कि सियासतदान और स्टेक होल्डर्स को दरगुजर के रवैये अपनाने होंगे और मिल के बाद चीजें करनी होंगी, तो वो हिंट करता है कि शायद ऐसी भी बात है। क्या ऐसा हो पाएगा, क्या ऐसा नहीं हो पाएगा, क्या इलेक्शन भी हो पाएंगे या नहीं, बिकॉज जो माहौल बन रहा है और जो काकर साहब की सिलेक्शन है ये प्योरली इन लोगों के बाहर की सिलेक्शन। और मैं आपको बार बार अपने प्रोग्राम्स में कहता था कि आप देखिएगा सिलेक्शन होगी तो उस नाम की जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से आएगा, और उसकी एक वजह थी, वो वजह ये थी कि डिफरेंसेस थे। नवाज शरीफ साहब के बारे में हमारी इतला ये थी कि वो चाहते हैं कि हर कीमत पर उनका नॉमिनी हो, और गवर्नमेंट ने अगरचे बहुत सी गारंटीज और तसल्लियां दी हुई थी शहबाज शरीफ साहब के थ्रू जो पावर्स दैट बी को, लेकिन ट्रस्ट वो नहीं था, और इसलिए नाम वहीं से आना था लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से कि अगर गवर्नमेंट कोई फास्ट पुल भी करती, कोई चीज अगर हाथ दिखाने की कोशिश भी करती तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन ना मानते और फिर मामला जाता इलेक्शन कमीशन में, और आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने किसकी बात माननी थी। So, इसलिए वो सब कुछ हुआ। मैंने एक क्लिप आपको दिखा देता हूं जो मैं बार बार, सिर्फ 2-3 हमने एग्जांपल्स निकाली हैं कि हमने कितनी बार ये चीज हाईलाइट की थी कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन का नाम ही होगा। फैसला तो हुआ था कौन बनेगा, होगा क्या, राजा रियाज साहब वो नाम रेकमेंड करते हैं जो दुबई और पिंडी के दरमियान में तय होगा या हो गया होगा। तो जो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, मुझे यकीन है वो राजा रियाज के नॉमिनेटेड 2 नामों में से एक होगा। जी, कायरा साहब हमारे साथ, हमें ज्वाइन किया हुआ है कम अजवान कायरा साहब ने, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी।
मलिक अहमद खान साहब अगेन अ वेरी सीनियर लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग, दोनों वफाकी वज़रा रहे पिछली गवर्नमेंट के अंदर। कायरा साहब जरा आपसे शुरू करता हूँ, ये बताइए खुशीशा साहब ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि इनका नाम बिल्कुल डिस्कशन में था ही नहीं काकर साहब का, एंड जस्ट केम एज अ सरप्राइज। क्या यही वजह है कि अब इसको ओन अप नहीं कर रही पीपल्स पार्टी की लीडरशिप? नहीं, किसी ने डिसोन भी नहीं किया, ये बात भी नहीं है कि हमने कुछ डिसोन कर दिया है। असल में जब ये तैनाती हुई या जब ये नाम आया तो मालिक साहब उस वक्त फौरी तौर पे आपने फर्ज करें सवाल किए, सारे मीडिया के मुख्तलिफ लोगों से सवाल थे, मलिक अहमद खान साहब से हुए, मुझसे भी हुए, तो मुझसे जब सवाल हुए या शाह साहब से हुए तो हमने अपनी राय का इजहार किया। वो कोई जमाती राय नहीं होती, इमीडिएटली तो ये नहीं होता ना कि हम इकट्ठे होकर फौरी तौर पर कोई राय दे देते हैं या कोई अपनी आपस में मुबादले के बाद कोई पार्टी का फैसला आ जाता है। तो वो इंफरादी राय थी, वो क्योंकि उस कमेटी के नाम जानते थे शाह साहब, लिहाजा उन्होंने अगर कोई राय दी तो बाद में पार्टी की जो राय थी जो फैसल कुंडी साहब ने दी उसी के साथ सबने एग्री किया। नहीं, ये तो कायरा साहब हम बार बार सुनते हैं कि राय मेरी जाती थी, वो पार्टी थी, वो तो अब आई थिंक ये तो एक मीनिंगलेस ही बात होगी। जब सीनियर लीडर जब आप एक बात करते हैं तो उस राय में बड़ा वजन होता है, बट एनीवे छोटी सी मेरी गुजारिश सुन ले जरा। अर्ज ये है कि आप अभी एक इवेंट होता है, उनका नाम आया सर और फौरी तौर पे फ्लैश हुआ और सारे मीडिया ने फौरन सवाल करने शुरू कर दिए। अब जब हर फर्द से अलग अलग सवाल होगा तो ये कैसे मुमकिन है कि पार्टी की कोई सोची समझी या यकसुई से डिस्कस की हुई राय आपके साथ शेयर की जा सके? कोई भी बंदा बात करेगा वो अपनी जाती राय देगा ना आपको। अच्छा ये बताएं, ये जो बात इस्लामाबाद में फैली हुई इस वक्त, आपके ख्याल में कोई क्या ऐसी कोई पॉलिटिकल डील बन सकती है, और अगर बनेगी तो क्या आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे? जो एक्सक्यूज मी, जो खास साहब की बारे में कहा जा रहा है कि शायद उनको एक एग्जाइल का ऑप्शन दे दिया जाए कि पाकिस्तान से बाहर चले जाए, क्या आपके नजदीक इसमें कोई वजन है इन बातों में हकीकत? मलिक साहब, बहुत सारी खबरें गर्दिश करती रहती हैं, बेशुमार देखे ना प्राइम मिनिस्टर के बेशुमार नाम डिस्कस होते रहे, शुरलियां चलती रही, हम कहते रहे कि ऐसा नहीं होगा, कभी असेंबलियों की मुदत बढ़ाने की बातें की जाती रही, कभी कुछ, तो इस तरह की बातों पे क्या बात की जाए? ये तो एक अजम्पटिव गुफ्तगू है, आपने किसी हेर से पे बात की, आप तो एक सवाल के रंग में पर्स कर सकते हैं। मैं तो एक सियासी कारकुन के तौर पर जब तक मेरे सामने कोई फिजिकल सूरत हाल ना हो किसी मफरूजे पे क्या बात करूं, उसके तो गलत मैंने निकलेंगे बड़े। सर मफरूजा इतना मफरूजा भी नहीं होता ना, हमने बार बार कहा था कि प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा इंटरिम जिसका नाम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन देंगे, नाम हमें शायद ना पता हो लेकिन वो बात हमारी हकीकतन साबित हुई ना, और उसका मैंने अभी शुरू में वजह भी बताई है। सो इसलिए सारे मफरूजे नहीं है चीजें। जब नवाज शरीफ साहब गए थे मुशर्रफ साहब के जमाने में तो तब भी पहले खबरें चल रही थी कि नवाज शरीफ की जाने की बात चल रही है, फिर कुछ तब सबने कहा मफरूजे हैं, बाद में हकीकत बन गई। मैं आप मालिक साहब आप सवाल कर लेता हूं, अगर ये मफरूजा हकीकत की तरफ जाता है तो आपके ख्याल आप में बड़े क्या रसूख वाले आदमी हैं, सपोर्ट करेगी या पोस्ट करो? आप बड़े रसूख वाले आदमी हैं, आप यकीनन बड़ी गहरी खबरें निकाल लेते हैं, मेरे पास तो ऐसा जरिया कोई नहीं है। मैं तो सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं कि मैं अगर कोई इस मफरूजे पे मबनी बात पे अपनी कोई राय देता हूं तो ये मफरूजा गायब हो जाएगा और मेरी कही हुई बात पीपल्स पार्टी के तौर पे आगे चल जाएगी और इससे भ्रम पैदा होता है। लिहाजा अगर कोई ऐसा नाम ऐसी कोई चीज आई फिर मेरी जमात बैठ के फैसला करेगी और हम अपनी राय देंगे, मेरी जाती राय तो फिर वहां आनी चाहिए ना, यहां तो मैं नहीं दे सकता। चले चले ठीक है, मलिक साहब जरा आपकी तरफ आ जाए, ये बताएं मरियम नवाज साहब नवाज शरीफ ये सारे खामोश क्यों हैं, किसी ने भी वेलकम क्यों नहीं किया? हमें तो बताया गया मुश्तरका फैसला है, बड़ा अच्छा फैसला है, ओन अप क्यों नहीं कर रहे आप लोग? नहीं मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए फैसला तो बुनियादी तौर पे वजीर आजम और ऑपोजिशन लीडर के दरमियान हो गया, तो बड़ी ओनरशिप के बाद हो गया ना। आप और मैं दोनों इस सूरत हाल से वाकिफ हैं कि वजीर आजम कोई भी इतना बड़ा फैसला, चाहे वो छोटा फैसला क्यों ना हो, ये तो खैर एक बड़ा अकलीदी हैसियत रखने वाला फैसला है,
कोई छोटा फैसला भी हो तो वज़ीर-ए-आज़म अपने लीडर की मर्जी के नहीं। मलिक साहब कई बार ये होता है ना, आपका अपना फैसला एक होता है, आपका अपना फैसला एक होता है, बाद में नाफास्ता फैसला आपको करना पड़ता है। तो फैसला तो कर लेते हैं लेकिन आप उस पर दमाल नहीं डालते, तो क्या ये ग्रजिंग एक्सेप्टेंस ऑफ अ डिसीजन है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि जरा इसको सामने रख लें कि जो शख्स जिनकी तैनाती हुई है वो अनवारुल्लाह काकड़ एक बड़ी अच्छी शोहरत रखने वाले आदमी हैं, और उनके मुतल्लिक मैं ये समझता हूँ कि वो बड़े शरीफुल नफ्स और एक साहिब राय आदमी हैं। वो अपनी राय का इजहार बड़ी इंडिपेंडेंटली करते हैं, दलील से बात करते हैं, और मैं उनकी बतौर सियासी कारकुन खिदमात से बड़ा मोतरफ रहा हूँ उनका, बड़ा मैं हमेशा उनकी मैंने तारीफ की है। आज वो वज़ीर आज़म बने हैं तो ये अब उनका टेस्ट है कि वो अपना किरदार किस न्यूट्रलिटी के साथ इंतखाबात के लिए अदा करते हैं, जो कि उनका मेरा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मलिक साहब मैं आपकी फरासत का मैं भी बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ आपसे। चले मियाँ साहब ने कहे तो फैसला हो गया था, मरियम नवाज की खामोशी क्यों है इस पे इतनी? वो तो हर चीज पे ट्वीट भी कर देती है, फॉरन स्टेटमेंट भी देती है, ओन अप क्यों नहीं कर रही? देखिए मैं मालिक साहब इसमें आपको दो बातों की एश्योरेंस दे सकता हूँ कि जब प्राइम मिनिस्टर का ये फैसला है तो इसके पीछे पूरी जमात खड़ी है, बशमूल इस बात के कि आप जो कह रहे हैं मरियम बीबी का और बड़े मियां साहब का, तो शहबाज साहब बहसीत वज़ीर आज़म भी अपनी जिम्मेदारियाँ जब अदा करते रहें तो उनकी कोशिश रही है कि वो तमाम दोस्तों को साथ चले। ये बताएं क्या आपके ख्याल में क्या ये फैसला हो गया कि अगले इलेक्शन अगर होते हैं तो जब भी हो कि उसमें दो माइनस तय हो गए हैं, एक माइनस इमरान खान और एक माइनस नवाज शरीफ, क्योंकि अब जो बंदियाल साहब का भी जजमेंट आया है जाते जाते, उन्होंने पूरा जो आपका रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट है उसको उड़ा दिया उनके फेवरेट बेंच ने, तो अब तो आपके पास वो जो मियां साहब के ऑप्शन थे आपका ख्याल था वो सजा उड़ जाएगी तो फिर उनकी वो उनको वापस आके जेल नहीं जाना पड़ेगा, तो वो तो फिर यू आर बैक टू स्क्वायर वन। तो क्या अब फिर रास्ते बंद हो गए मियां साहब के, अब वापस तो नहीं आएंगे? आप लोगों का ख्याल था हम सस्पेंड भी करवा लेंगे डिसीजन, सब कुछ हो जाएगा, तो क्या माइनस वन में मियां साहब भी आ गए हैं अब? नहीं मालिक साहब, मैं आपकी इस पूरी बात को दो हिस्सों में रख लेता हूँ। एक तो पहले जो भी जजमेंट है बंदियाल साहब की उसको पहले सामने रख के बात कर लें। मेरा ख्याल है ये जजमेंट एज़ फार एज़ मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी सजा का तल्लुक है ये इनकॉन्सिक्वेंशियल है। उसकी वजह ये है कि एक लॉ जो ये पहले कहता था कि नाअहली ताहियात होगी, वो क्योंकि एक जजमेंट के जरिए थी और उसको बाद में एक लेजिस्लेशन में 5 साल की बात कर दी गई, तो वो 5 साल वाली लेजिस्लेशन तो इंटैक्ट है। ये जो मामला है ये रिव्यू ऑफ जजमेंट्स वाला जो केस था ये दो डिफरेंट केस थे। एक तो आपको पता है कि स्टे ऑर्डर दिया था इन्होंने, वो पहला वो था जो प्रोसीजरल मैटर्स पे था कि वो कैसे होगा, वो उसमें स्टे था, और ये बाद में एक लॉ बनाया था जिसमें शायद कुछ बड़े सीनियर जूरिस्ट का ये ख्याल था कि जो रिव्यू है वो अपील के साथ इक्वेट कर रही है, तो इसी बेसिक रैशनल पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस फैसले को इस लेजिस्लेशन को अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन का है, और उसकी उनकी बुनियादी बातें उन्होंने जो लिखी हैं तफसील के साथ वो सारी इसी पराय में इसके इर्द गिर्द घूमती हैं। तो अब आपको वो अपील तो नहीं मिलेगी ना, आपको वो अपील तो नहीं मिलेगी? जी यहाँ पे वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन अभी एक तो मैंने बड़े ही सेंसिटिव सवाल करने हैं, डोंट गो अवे। जी शो में एक बार फिर खुश आमदेद। मुझे एक चीज क्लैरिफाई करते हैं, अब जो ये लॉ स्ट्राइक डाउन हो गया, जो आपका ख्याल था कि बेंच बनेगा, बड़ा बेंच बनेगा, जजेस दूसरे होंगे, वो सारा वो तो अब प्रोसेस सारा आपके हाथ से निकल गया है ना, अब तो पुराना रिव्यू ही रह गया है ना, और रिव्यू आप तो इस्तेमाल कर चुके हैं शायद। ये दुरुस्त है कि जब ये एक जो एक इसकी कि कौन से वकील हो सकते हैं, बेंच कौन सा हो सकता है, कि क्या वो जजेस, इनके मुतल्लिक जो बात इसके अंदर की गई थी उसको स्ट्राइक डाउन उन्होंने कर दिया। लेकिन मैंने कहा कि जहाँ तक आप एक पर्सन स्पेसिफिक इस सारी बहस को, ये तो पब्लिक एट लार्ज के लिए था, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये लिखा कि एक लिटिगेशन का नया राउंड ऐड कर देगी, वो वजूहात जिनकी बुनियाद पर उन्होंने ये
फैसला किया वो पर्सन स्पेसिफिक अगर कोई बात होती तो ये बेंच बड़े खुले दिल से लिखता। अगर इसमें पर्सन स्पेसिफिक का कोई थोड़ा बहुत शाइबा भी होता, एक आउट ऑफ एविडेंस भी होती थोड़ी सी हल्की सी भी, तो उसमें वो लिखते कि ये कानून पर्सन स्पेसिफिक। तो अब क्या पांच साल की बात होगी है, क्या मुझे एक चीज क्लियर करें, क्या मियां साहब अगर इलेक्शन फरवरी में होते हैं एज मैटर स्टैंड टुडे, क्या मियां साहब उसमें आके कंटेस्ट कर सकते हैं? देखिए मेरी इसमें तो मेरी राय एक कारकुन की हैसियत से होगी और मेरी ख्वाहिश होगी, तो मैं जब एक अपनी ख्वाहिश के ताबे राय दे रहा हूँ, मेरी राय में लीगल पूछ रहा हूँ, क्या मियां साहब अपनी में आगे गिरफ्तार होना पड़ेगा? राइट सर, मैं और क्या मियां साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं? मैं लीगली देखिए सर, इसके दो हिस्से हैं, एक तो नाअहली को डील करता है तो वो पांच साल में तय हो गया कि पांच साल तो वो पूरे हुए और वो अब उनकी नाअहली स्ट्रिक्टो सेंसो उनके ऊपर इस तरह से अप्लीकेबल नहीं रहेगी, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। आपके एक हिस्से का सवाल का जवाब ये हुआ, और दूसरा ये कि क्योंकि वो उनके खिलाफ एक कन्विक्शन है और उनकी जो वो लीगल प्रोसीडिंग है, यस ही हैज़ टू कम एंड सबमिट हिमसेल्फ टू अ कोर्ट और कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन जिसके अंदर उनकी अपील क्योंकि सजा तो उन्होंने भुगतनी है ना, वो अभी सजा नहीं मालिक भाई जरा क्लैरिटी लाए ना, सर देखिए एक है डिस्क्वालिफिकेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी पहले, एक तो वो डिस्क्वालिफिकेशन है जो बेटे से तनख्वाह न लेने पर ता हयात कर दी थी, कह दिया था कि खत्म ना पार्टी के सदर रह सकते हैं ना कोई और चीज है एक। अच्छा अब दूसरा पहलू आ गया कि आपके खिलाफ एक कन्विक्शन है और उस कन्विक्शन के खिलाफ आपकी एक अपील थी जो एडजर्न होगी आपकी एब्सेंस की वजह से, कह दिया गया कि आपकी गैर मौजूदगी में ये नहीं सुनी जा सकती, तो अदालत ने ये हक पीछे छोड़ा जब बात गैर मौजूदगी की कि जब भी वो आकर अपनी उस अपील को चलवाएंगे तो प्रोसीडिंग वहीं से स्टार्ट होगी। तो जब मियां साहब वापस आते हैं तो ही हैज टू सबमिट हिमसेल्फ टू अ कोर्ट ऑफ लॉ और वहां से वो एप्लीकेबल ज्यूरिसडिक्शन दोबारा स्टार्ट होगी। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स सर, दो अलग अलग चीजें। ठीक है नहीं, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट जी। कारा साहब ये बताएं मुझे कि हम जो तकरीरें सुन रहे हैं और खास तौर पे सारे तकरीर हर तकरीर आर्मी चीफ की बड़े गौर से सुनी जाती है, मैं वर्ड देख रहा था डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जमहूरी की क्या बात हुई क्या नहीं। आखिरी बार जो ISPR की प्रेस ली जाई थी 15 मई को, उसके अंदर था कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करना, सब कुछ करना है। लेटली हमें नजर आ रहा है जैसे आज उन्होंने कहा पाकिस्तान है तो हम सब है वरना नहीं है, पाकिस्तान की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, और जिस तरह आप प्राइम मिनिस्टर इंटरिम के आए हैं, इससे बहुत से सवाल लोगों के ख्याल में ये उठ रहा है कि शायद अभी इलेक्शन जनवरी फरवरी में भी ना हो, और ये जो डेडलाइन है लोगों का ख्याल है कि जी अगर सेनेट के इलेक्शन तो हर कीमत पे होंगे, क्यों हर कीमत पे होंगे? अगर नेशनल असेंबली के डिले हो सकते हैं, अगर प्रोविंशियल्स के असेंबलीज के एंडलेसली डिले हो रहे हैं, तो अगर सेनेट के इलेक्शन आपके ख्याल में कोई बहुत बड़ी रेडलाइन है कि ये आगे नहीं हो सकते? मालिक साहब इसको रेडलाइन ही समझना चाहिए, नहीं है पर समझना चाहिए। बिल्कुल आपका थीसिस दुरुस्त है कि अगर कौमी असेंबली जो आवाम से नुमाइंदों से वोट लेकर डायरेक्टली आती है, अगर वो नहीं है और उसकी अदम मौजूदगी में आप जिसने कायदे ऐवान भी बनाना है, जिसने बजट भी पास करना है, सब कुछ करने होते हैं, तो अगर वो नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है, तो फिर भी काम अगर चलता है तो कहने की हद तक टेक्निकली तो ये अपनी जगह, लेकिन बिल्कुल हमें इसको रेडलाइन समझना चाहिए और मिनिमम पॉसिबल डिले जो है मिनिमम पॉसिबल डिले के साथ इलेक्शन होने चाहिए, इस पर कोई दूसरी राय नहीं। जहां तक ताल्लुक है ISPR से या उनसे जमहूरी जो अमल है या जमहूरियत या जमहूरी इदारों की इस्तेहकाम की बात है, हर वक्त ये बात होते रहना भी जरूरी नहीं है। जब आप आइन और कानून की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को मुस्तकम करने की बात कर रहे हैं, आप आइन की बात कर रहे हैं, तो आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, उससे हटके तो कुछ नहीं कर रहे। और अगर फर्ज करें कुछ ऐसा है तो फिर हमारे पास एक सबक मौजूद है माजी का, वो देखने की जरूरत है कि क्या उस सबक की रोशनी में हम इस रवैये को आगे बढ़ा के कोई बेहतरी कर सकते हैं पाकिस्तान की। ये बड़ा अहम सवाल है, इसको देखना चाहिए। कारण सर मुझे एक बात बताइए, ये मुझे एक बात बताइए, दो राय है इस वक्त। एक राय ये है कि अगर आप
इलेक्शंस पोस्टपोन होते हैं और लोगों को ये लगता है, आप लोगों को, लीडरशिप्स को, कि शायद बात जमहूरियत से दूर लेके जा रही है चीजों को, तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे कि सडनली नवाज शरीफ साहब भी और आपकी पार्टी, नवाज शरीफ पार्टी, दूसरे लोग वही बयानियां अपनाएंगे जो इमरान खान का है और टारगेट करेंगे इंस्टीट्यूशन का। लेकिन दूसरी राय ये है कि आप लोग किसी भी कीमत पे इमरान खान के साथ एलाय किसी भी कैंपेन में नहीं होंगे, बल्कि आप शायद इंतजार करना भी कबूल कर लें साल दो साल किसी इंटरप्शन का, एज लॉन्ग उसमें इमरान खान फारिग हो जाए तो आप उनके साथ जुड़ के कोई काम नहीं करेंगे और आप शायद इंतजार कर लेंगे कि वो प्रशासन से फारिग उनको हो जाए या कर दिए जाए। अगर हालात जमहूरियत के ऐसे नजर आते हैं तो क्या आप लोग मिलके कभी इमरान खान के साथ चल लें, क्या आपके ख्याल में पॉसिबिलिटी 1% भी है या वो भी एक रेड लाइन है? हमारे साहब वो पुराना सा एक शेर है कि तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि मेरी जमात का सबक यही है, हमें इसी सबक के साथ आगे चलना है। हमारा यकीन यह है, ख्याल नहीं है, यकीन यह है कि जमहूरियत और जमहूरी प्रोसेस ही पाकिस्तान को कायम और आगे बढ़ा सकता है। सिर्फ ताकत के जोर पे हम पाकिस्तान को ना मुस्तहकम कर सकते हैं ना कायम रख सकते हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए, असूलों की बुनियाद पे मुल्क और घर चलते हैं। माजी में भी हम आपस में बड़े दूर थे, मुस्लिम लीग और हम कहाँ खड़े थे, कोई सोच सकता था उस वक्त कि हम आपस में कभी इकट्ठे हो जाएंगे? फिर इकट्ठे वक्त ने किया कि मुल्क की जरूरत ये थी। आज तो सूरत हाल ये है कि मौजूदा आर्मी चीफ ने खुद ये बात कही कि हम सियासत में नहीं आना चाहते, मदाखलत नहीं करना चाहते। तो मेरा ख्याल है कि जो माजी करीब के अंदर इवेंट्स हुए जिसमें हमें ये महसूस होता है उसको हमें सीरियसली ये जानते हुए कि अगर नहीं, आपने आपने बहुत बड़ी बात की है, लेकिन ये जानते हुए कि अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस उसी तरह होता है जिस तरह होना चाहिए तो इमरान खान आके आप लोगों का सफाया भी कर सकते हैं, फिर भी आप तैयार होंगे उनके साथ चलने के लिए? मालिक साहब ये तो हालात पे ही डिपेंड किया करता है, ये तो आज बैठ के आप मुस्तकबिल के बारे में क्याफे नहीं लगा सकते सारे। कल क्या होगा, बड़ी तेजी से चीजें बदला करती हैं। हम 17 सीटों के साथ बैठे थे एक दफा असेंबली में, मुस्लिम लीग 19 सीटों के साथ बैठी थी, इमरान खान एक सीट के साथ बैठे थे पिछले इंतखाब में भी, जिस तरह लोग उनके साथ शामिल कराए गए थे, ना होते तो इमरान खान ये जो आज तूती बोलने की आप बातें करते हैं ये कहाँ खड़े होते? तो ये चीजें बदल जाया करती हैं, इसको इतना सॉलिड व्यू नहीं है। मेरा तो सवाल ये है कि क्या पिछले 4 दफा जो असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी की है, ये डेमोक्रेटिक कंटिन्यूएशन है, क्या इससे हम 2002 से बेहतर पोजीशन में हैं या सूरत हाल खराब हुई है? दूसरा, आईन मौजूद है, आईन के ऊपर अमल करने की बातें अदालत भी करती है, एस्टेब्लिशमेंट भी करती है, हम सियासी लोग भी करते हैं, आप भी करते हैं, क्या हम सारे आईन के ऊपर अमल कर रहे हैं? तो ये दो सवाल हमें एड्रेस करने हैं, देखने हैं, और मेरी दानिश में ऐसा है नहीं। हाँ, मेरी नज़र में 20 साल के बाद हम समाजी तौर पे भी, इखलाकी तौर पे, इज्तमाही इखलाक के तौर पे भी और जमहूरी तौर पे भी हम कमज़ोर हुए हैं। दूसरा, जो आईन है, हम आईन को एक हुज्जत के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे कह रहे हैं कि हम आईन के तहत चलना चाहेंगे, चलेंगे, चल रहे हैं, लेकिन हम आईन को एक बहाना इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त मालिक साहब फिर सारी सियासी कुव्वतों को और इदारों को बिल्कुल बैठने की जरूरत है। अगर हम बैठ के कोई वे फॉरवर्ड डिजाइन नहीं कर पाते, अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को आगे चलाने का कोई रास्ता नहीं होगा, भले हम बड़ी ताकत के साथ बातें कर रहे हों, लेकिन प्रिंसिपल वही है। ये एक वक्त हुआ एक और छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द शो। मलिक साहब से भी इसमें राय ले लूं, मलिक साहब आपसे भी यही सवाल, ये जो बातचीत, अगर ये चीजें मूव करती हैं, हमें सेनेट के इलेक्शन टाइम पे नहीं होते, हमें लगता है कि प्रोसेस किसी और तरफ जा रहा है इन लार्जर नेशनल इंटरेस्ट,
तो क्या आप लोग, ये जो मैंने सवाल उनसे किया था कि दो राय है, एक है कि कुछ भी हो जाए पीपुल्स पार्टी और पीएमएलएन हर कीमत देने पर तैयार है कि ये इमरान खान फारिग हो सियासत से, उनकी पार्टी फारिग हो, फिर हमारे से डील करेंगे जो भी करेंगे, तो इनके साथ मिलके कोई भी कैंपेन नहीं चलेगी या प्रो डेमोक्रेसी, बिकॉज आप लोग कहते हैं कि आप लोग कन्विंस्ड हैं कि खान साहब को डेमोक्रेट नहीं है, बिलीव नहीं करते, और आम तासुर यह है कि अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस खुल के आए तो आप लोगों को वो ठीक ठाक हरा भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। क्या एक्सट्रीम सिचुएशन में आप तो आपके लिए रेडलाइन है इमरान खान के साथ मिलकर कोई चीज करनी, कैंपेन करनी, कि आपके ख्याल में ये कभी भी नहीं हो सकता? और कारा साहब तो कहते हैं हो सकता। इस बात पे कायल हूं कि आप जो मैं कायरा साहब की बात को, क्योंकि मुझे हमेशा से उनसे यही तवक्को है जो कायरा साहब ने कहा है। कायरा साहब एक बड़े ट्रू डेमोक्रेट हैं और उनकी आई विश कि हम भी उन जैसे हो सकें, और वो बड़े एक नोबल आदमी हैं और उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक जमहूरी जदोजहद में गुजार दी है। अब यहाँ सवाल जरा थोड़ा सा उसको उस राइट पराए में लाना चाहिए। आपका सवाल बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है, तो मैं आपको डक अराउंड नहीं करूंगा सवाल का जवाब राइट लेफ्ट करके। बाज़ुकात बहुत ज्यादा मालूमात का बोझ भी जो होता है ना, वो भी आपको मजबूर कर देता है कि आप कुछ चीजें दुरुस्त पराए में लें। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आप मुझे कहें कि जमहूरी स्ट्रगल इमरान खान के साथ मिलके, तो पहले मुझे इमरान को आपकी इस बात से मुझे एतराज़ होगा कि मैं इमरान की उस क्लाइम टू पावर पोजीशन की पूरी सूरत हाल से वाकिफ होते हुए इमरान को मैं जमहूरी ताकत तस्लीम नहीं करता, नंबर वन। अब अगर उसको बतौर जमहूरी ताकत तस्लीम करना है तो फिर उसने अपनी जमहूरियत की बुनियाद कैसे बनाई, मैं उसको तस्लीम नहीं करता। उसकी बुनियाद के अंदर जमहूरियत का कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे कायरा साहब का है। अगर मैं कायरा साहब को और इमरान को इक्वेट करूं तो फिर मुझे कायरा साहब को एक डिस्टिंक्ट पोजीशन पर रखना पड़ेगा और इमरान को अलहदा करना पड़ेगा। मैं जमहूरियत का बुरा नहीं सुन तो लेना मेरी मालिक भाई, बात तो सुन लें। देखें मुझे ये, आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ यही है कि आपने कल को इतने बड़े जराइम के साथ भी बैठ के बात करनी है, मैंने तो वो सजाएं भी भुगती हैं जो कि मेरे जुम्मे वाजिब भी नहीं थी। यार इसके जुम्मे तो वो वाजिब हैं, इसने जो किया है किसी मुल्क में आप मुझे बताएं, तसव्वुर करें कि कैन एनीबडी डू दैट सच थिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स, कोई कर लेगा जो बड़ा डेमोक्रेटिक है? हिंदुस्तान में कोई कर लेगा जहाँ पर बहुत सिविलियन सुप्रीमेसी है, वहाँ पर ये हो सकता है? कैन यू क्रिएट 9th में इन एनी कंट्री, कुछ कभी तसव्वुर भी हो सकता है? आपका आपकी पॉलिटिकल, मुझे सारा दिन, मुझे दिन में 50 मरतबा इतना शदीद एतराज़ होता है एडमिनिस्ट्रेशन पे, स्टार्टिंग फ्रॉम माई पुलिस स्टेशन टू द डिप्टी कमिश्नर टू द चीफ मिनिस्टर टू द चीफ सेक्रेटरी, तो क्या मैं पब्लिक ला सकता हूँ? मेरे साथ मेरी एक कॉल पे 2-4 हज़ार बंदा इकट्ठा करना मैटर ऑफ मिनट्स होता है। आई कैन डू दैट, जितने इसने बुलवाई इकट्ठे किए थे उससे ज़्यादा, ट्रस्ट मी मालिक भाई, आई कैन, वी कैन, कोई झगड़ा नहीं है। चले ये मुल्की सतह पे करता होगा, मैं अपनी मकामी सतह पे कर लूंगा। मसला क्या है? मसला ये है कि आप जमहूरियत की वो तो हम मान गए हैं, वो तो हम मान गए हैं कि डिस्पाइट अनपॉपुलैरिटी ऑफ गवर्नमेंट आपने बड़ा तगड़ा जलसा भी करके दिखाया है। हम आपके जलसे को हम नहीं इनकार करते, आपकी पावर जो आपने जलसे की दिखाई है। मैं मालिक भाई मैं अर्ज करूं, देखें मेरी दो बातों को मेरी प्लीज जरा इस पर राय में रख लें। अगर इमरान की पूरी पॉलिटिकल लाइफ में जमहूरियत की कोई एक रत्ती भर खिदमत हो तो मैं उसको ऑन करने को तैयार हूं। लेट्स डिबेट इट, उस पर बहस कर लें। इमरान ने डेमोक्रेसी के लिए क्या किया? क्या नफरत फैलाना चाहिए? आई थिंक आपका क्लियर आ गया, मुझे टाइम थोड़ा है, मुझे भाई साहब एक सवाल और करना है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर जहां आप जा रहे हैं, इट्स वेरी क्लियर के आपके नजदीक ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है। लेकिन मुझे अभी एक बताएं कि जिस सीक्रेसी से, अव्वल तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इस मुल्क में इतनी हर चीज सीक्रेट रखने की क्या जरूरत होती है। अगर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो आप सारे इतने सीक्रेट क्यों थे? किस बात का डर था कि अगर किसी नाम निकल आएंगे, अच्छा नाम निकलते लोग उस पर बहस करते, अच्छाइयां बुराइयां पता लगती, लेकिन यहाँ एक सरप्राइज आता है, वो आप लोगों को भी सरप्राइज ठोक गया। हमें इसलिए खुशी है अवाम के तौर पे कि जितना आप लोगों ने हमें सरप्राइज देना था ना, हमारे तो जो मिला सो मिला, आपको उससे बड़ा सरप्राइज मिल गया।
आपकी भी सोचों में नहीं था, आपको चले इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मिल गए। मुझे बताएं क्या अगर सेनेट के इलेक्शंस नहीं होते क्या उसका फिर इलेक्शन पे बहुत आगे चले गए, या सेनेट की इलेक्शन ऐसी चीज है कि वो हकीमत पे आ होंगे, पॉसिबिलिटी है उनके आगे पीछे होने की? मैं आपको कहूँ फेयरली स्पीकिंग, अब ये लीडरशिप जो है ना मियां नवाज शरीफ साहब की और आसिफ जरदारी साहब की, और ये इन पॉलिटिकल पार्टीज का ये अब इस वक्त एक इम्तिहान है। अगर तो ये इंश्योर करते हैं कि ये इलेक्शंस फरवरी में हों तो ये हर सूरत पे सियासी अमल की जीत होगी। इमरान वाले मामले को आपकी राय हो सकती है, लेकिन इमरान इज़ डाउन एंड डस्टेड। ये जो अफवाज होती है ना, ये कौमों की प्राइड होती हैं, जब आप उस पर हमला कर देते हैं तो आप गलतफहमी का शिकार होते हैं, आप अपने आप को ओवर असेस करते हैं। ये इसने 9 मई पे जो किया है वो इसने नेशनल प्राइड की इरोजन की है। ये माइंड माय वर्ड, ये जो प्रेसिडेंट ने बात की है, पॉलिटिशियंस पॉलिटिशियंस और स्टेक होल्डर्स दरगुजर करने का मुजाहरा करें, आपको दरगुजर होता नजर आता है? तो ये सदर, आप मुझे सर सदर अपने ओथ से वफादारी करते नजर आए ना, पहले सदर नॉन पार्टीजन होते नजर आए। सदर मुझे दर्स तब दें जब वो एक पार्टी के कारकुन की हैसियत से हमाकतें करनी बंद करें, वो हेड ऑफ द स्टेट है। अगर उन्होंने जब ओथ ले लिया था तो फिर उनका पीटीआई का वर्कर रहने का कोई हक नहीं था। ये बात अगर आपका बहुत शुक्रिया सिर्फ एक लाइन इतनी कहना चाहता हूं कि सदर साहब अगर अपना वाकई को रोल अदा करना चाहते हैं तो फिर इमरान खान को कहें कि उसने अपनी गलती तस्लीम करके वो कौम से माफी मांगे कि उसने अपने इदारों के सामने अपने नौजवानों को कड़ा किया है और ये जाती किया है, फिर रस्ते पैदा होने का सामान बन सकते हैं। बाकी खाली मुतालबे करने से या इस तरह की बातें करने से आगे बात नहीं बढ़ सकती। कारा साहब बहुत शुक्रिया, मलिक अहमद आपका बहुत शुक्रिया। राजा आपने बातें सुने, दो चीजें बड़ी क्लियर हैं। ये सरप्राइज जो हमें मिल रहा था कौन होगा कैसे होगा, और ये पॉलिटिशियंस बहुत उसमें कर रहे थे, वो उनको खुद भी सरप्राइज मिल गया, और जिस तरह हमने कहा था वैसे ही हुआ। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने नाम दिया और इस पर ये इनको फौरन मुशावरत हुई और कंसेंसस हो गया। अब इशू यह है, रेड लाइन जिसको हम भी समझते हैं वो थी सेनेट के इलेक्शन की। आपने दोनों लीडरान की बातें सुनी, कोई भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं था कि होगा या नहीं होगा, और हो सकता है क्लियर नजर आ रहा है। जब बात हुई कि क्या इमरान खान के साथ मिलके बाकी चलेंगे, पीएमएलएम का जो मौकफ है बड़ा कैटेगोरिकल आ गया, नथिंग डूइंग, थोड़ा सा मार्जिन कायरा साहब ने रखा है जी कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि पीएमएलएम बड़ी क्लियर है इस मामले में कि इमरान खान को कोई भी प्राइस दे दें हम देने पर तैयार हैं, कि अगर वो सियासत से बाहर होते हैं, और शायद पीपल्स पार्टी का भी यही रवैया है। जहां तक बात है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, काफी दिन हो गए हैं जमहूरियत का लफ्ज हमने वहां से नहीं सुना जहां से सुनना अच्छा लगता है, लेकिन वहां पे एक ही बात हम सुनते हैं जो पाकिस्तान के हक में है वही आगे की आप बात करें। लेट्स सी आगे पाकिस्तान आगे बढ़ता है, जमहूरियत आगे बढ़ती है, या दोनों इकट्ठे बढ़ते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।